नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का विषय बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि आपके व्यवहार का ग्रहों से क्या संबंध है। अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं लोगों के साथ तो कौन से ग्रह एक्टिव होते हैं और क्या रिजल्ट देते हैं। अगर हमारा व्यवहार खराब होता है, वाणी खराब होती है, तो कौन से ग्रह हमें नेगेटिव परिणाम देते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे, लकी नंबर के अनुसार लक भी जानेंगे और अच्छा व्यवहार और शुभ फल पाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, ये पंडित जी से उपाय भी जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें। जी जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहे? जी, दिनांक 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, शाम के 4:07 तक, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, प्रातःकाल 7:35 तक, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातःकाल 7:35 तक, राहु काल का समय शाम को 3:04:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि व्यवहार का, जो हमारा बिहेवियर है, उसका ग्रहों से क्या संबंध होता है। पंडित जी, हर आदमी चाहता है कि ग्रहों से उसे अच्छे फल मिले। बिल्कुल। लेकिन उसका नेचर, उसका व्यवहार जो है, उसे कभी कटु बना देता है, कभी मधुर व्यवहार करता है, तो ये ग्रहों से कैसे संबंधित है? प्रवीण जी, देखिए दो बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि जैसे आपके ग्रह होते हैं उस तरह का आपका नेचर होता है, आपका बिहेवियर होता है, या जैसा आपका नेचर, आपका बिहेवियर होता है, उसका प्रभाव आपके ग्रहों पर पड़ता है। आपके स्वभाव का और आपके व्यवहार का ग्रहों से सीधा संबंध है। हमारा व्यवहार हमारे ग्रहों की स्थितियों से संबंध रखता है। कुंडली में जिस तरह के हमारे ग्रह होते हैं, सामान्यतः वैसा ही व्यवहार हम करते हैं, या इसको वाइसे वर्षा समझिए, हमारे व्यवहार से हमारे ग्रहों की स्थितियां प्रभावित हो जाती हैं, यानी ग्रहों से व्यवहार और व्यवहार से ग्रह प्रभावित होते हैं। अच्छा या बुरा व्यवहार सीधा हमारे ग्रहों को प्रभावित करता है, सीधा हमारे ग्रहों पर असर डालता है, और चूंकि हमारे व्यवहार का ग्रहों पर असर पड़ता है, इसलिए हमारे भाग्य पर भी असर पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे व्यवहार से, हमारी आदतों से हमारी किस्मत पूरी पूरी बदल जाती है, यानी हम कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं, कुछ ऐसा स्वभाव हमारा होता है, जिसका बहुत बुरा या बहुत अच्छा प्रभाव ग्रहों पर पड़ता है, और इसकी वजह से हमारे किस्मत पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आपको अपने स्वभाव और व्यवहार पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने भाग्य के लिए भी और अपने अच्छे जीवन के लिए भी। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर। जी जी। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं,
यात्रा के योग भी फिलहाल बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है, वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, स्वास्थ्य आज बिगड़ सकता है, काम की अधिकता से परेशानी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, परिवार में मंगल कार्य होगा, सेहत की स्थिति आज अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा व्यवहार कैसे हमारे जीवन पर असर डालता है, हमारे भाग्य पर असर डालता है। पंडित जी, वाणी की बात की जाए, कुछ लोग मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं, लोगों का दिल जीत लेते हैं, उनके काम हो जाते हैं, और कुछ लोग स्पष्ट बोलते हैं, सही बात बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं लेकिन थोड़ा कड़वा बोलते हैं, वो जीवन में परेशान रहते हैं, तो क्या ये भी ग्रहों का खेल है? कौन से ग्रह जो हैं वाणी को प्रभावित करते हैं और क्या उपाय करें जिससे सबकी वाणी अच्छी हो जाए? देखिए, आपके स्वभाव के बारे में सबसे पहले आपकी वाणी से ही अंदाजा लगता है। आपके साथ बातचीत करके, आपकी बातों को सुन करके, समझ करके ये अनुमान लगता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। वाणी बहुत महत्वपूर्ण मामला है। वाणी का संबंध हमारे पारिवारिक जीवन और आर्थिक समृद्धि से होता है। जहां से हम कुंडली में वाणी देखते हैं वहीं से धन भी देखते हैं और वहीं से पारिवारिक जीवन भी देखते हैं। खराब वाणी से हमें जीवन में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हमारी वाणी खराब है, हम कड़वा बोलते हैं, खराब बोलते हैं, तो पैसे रुपए की मुश्किल जरूर होगी और कभी कभी जीवन में आकस्मिक दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कभी कभी सडन दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और जिनकी वाणी बहुत खराब होती है, जिनकी वाणी बहुत निगेटिव होती है, उन्हें कभी कभी कम उम्र में ही बड़ी बीमारी हो जाती है। तो अगर आपकी वाणी अच्छी नहीं है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपका स्वास्थ्य और आपका पारिवारिक जीवन ये अच्छा नहीं रहेगा। क्या करें? वाणी को अच्छा रखने के लिए रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जप करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, 27 बार या 108 बार सुबह के समय गायत्री मंत्र का जप करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है?
कर्क राशि, काम के मामले में आपकी व्यस्तता रहेगी, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आज का दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, इस समय आपकी कोई छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान आज बनाए रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें और आज वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त है आपके सवाल का। सवाल लेने से पहले आपको बता दें कि ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी देते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। सवाल की बात कर लेते हैं। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके भाग्यचक्र@aajtak.com में भेज दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और उन्हीं सवालों में से पंडित जी हर दिन सवाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रहे हैं? आज का जो प्रश्न है वो कश्मीर सिंह जी ने हमें लिखा है, मंडी हिमाचल प्रदेश से मेल लिखते हैं। 30 मार्च 1985 का जन्म है, 6:05 प्रातः मंडी हिमाचल प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मैं नया व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, कौन सा व्यापार करना मेरे लिए बेहतर होगा और आगे का जीवन मैं कैसे अच्छा बनाऊं, आगे के जीवन को मैं कैसे अच्छा कर सकता हूं। कश्मीर जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए व्यापार करना अच्छा है। अगर आप व्यापार में जाते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की चीज़ों का व्यापार, पानी यानी लिक्विड से संबंधित चीज़ों का व्यापार, सुगंधित चीज़ों का व्यापार, फलों और सब्जियों का व्यापार करना आपके लिए बेहतर होगा। जुलाई 2024 के बाद अगर आप व्यापार में जाते हैं तो उसमें आपके लिए सफलता की संभावनाएं अच्छी हैं। दूसरा ये है कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए और सफलता पाने के लिए रोज सुबह शाम नमः शिवाय का जप करिए 108 बार और एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा स्वभाव किस तरीके से हमारे जीवन पर असर डालता है और अपने जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कैसा व्यवहार, कैसा आचरण करना चाहिए। पंडित जी, आचरण और कर्म सीधे सीधे जीवन को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। तो आचरण और कर्म
ठीक रखे जाएं तो क्या लाभ होता है, अगर ये गड़बड़ हुए तो क्या परेशानी होती है, और क्या उपाय करें, जैसे बहुत लोग चाहते हैं कि उनका आचरण अच्छा रहे, कर्म बढ़िया रहे, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए। देखिए प्रवीण जी, आपके कर्म ही आपके भाग्य की दिशा तय करते हैं। जो आज का कर्म है वो भविष्य का भाग्य बनता है, जो आज का आचरण है वो भविष्य का रिश्ता बनता है। आपके आचरण और आपके कर्म बहुत स्पष्ट रूप से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। आपके आचरण और आपके कर्मों का संबंध आपकी आजीविका से है, आपके रोजगार से है। अगर कर्म और आचरण शुद्ध ना हो तो रोजगार में समस्या पैदा होती है, रोजगार में दिक्कतें आती है। अगर कर्म शुद्ध नहीं होगा तो आप जीवन भर भटकते रहेंगे और तमाम प्रयासों के बावजूद कभी भी आप स्थिर नहीं होंगे। आचरण जैसे जैसे सुधरता जाता है वैसे वैसे रोजगार की समस्या दूर होने लगती है। आप देखिए कि आप जो कर्म करते हैं, आप किसी पद पर हैं, किसी पोजीशन पर हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, ईमानदारी से काम नहीं करते, नौकरी में व्यापार में बेईमानी करते हैं, एक दिन वो चीज़ें आपसे छीन ली जाएंगी। इसीलिए अपने कर्म और अपने आचरण में बेईमानी ना करें, शुद्धता बनाए रखें। अगर आप अपने कर्म और अपने आचरण को शुद्ध रखना चाहते हैं तो सुबह और शाम या तो ध्यान करें, और अगर ध्यान नहीं कर पाते तो सुबह शाम दोनों समय भगवान शिव की उपासना करें। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम नमः शिवाय 108 बार सुबह और नमः शिवाय 108 बार शाम को, दोनों समय यही अगर आप कर लें तो इससे भी आपके जीवन में काफ़ी फर्क पड़ेगा। अब बात तुला राशि की, शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, किसी अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात वृश्चिक राशि की, मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संपत्ति की समस्या आपकी हल होगी, रोजगार के तमाम प्रयास आपके सफल होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब बात धनु राशि की, बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बसंती। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हम अपने स्वभाव को बेहतर बना करके, अपने आचरण को अच्छा रख करके, अपनी वाणी को अच्छा रख करके
कैसे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ग्रहों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पंडित जी, एक चीज़ आती है जिम्मेदारी। हर व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। जो लोग अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभाते हैं, क्या उनके जीवन पर भी ग्रहों का असर होता है? और अपनी जिम्मेदारियां सही से निभाएं, इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी, जो जिम्मेदारियां होती हैं आपकी दूसरों के प्रति, माता पिता, मित्र, समाज, ऑफिस, ये तमाम तरह की जिम्मेदारियां आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं। जिस मात्रा में आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, उसी मात्रा में जीवन की मुश्किलें कम हो जाती हैं। जिम्मेदारियों का संबंध होता है आपकी जीवन की बाधाओं से। जो लोग अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाते, उन्हें जीवन में बड़ी बाधाओं का, बड़ी मुश्किलों का, बड़े संकटों का, जैसे मुकदमे का, कर्ज का सामना करना पड़ता है। देखिए, माता पिता के प्रति जिम्मेदारी है, पति पत्नी के प्रति है, संतान की है। आप नहीं निभाते, अपने में ही व्यस्त मस्त रहते हैं, तो आप मुश्किलों में पड़ेंगे, अपनी समस्याओं में ही उलझ करके रह जाएंगे। इसीलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोताही मत करिए। जो लोग जिम्मेदारी नहीं निभाते, वो जीवन भर मुश्किलें उठाते हैं। जिम्मेदारी निभाने में अगर मुश्किल आ रही है तो क्या करें? एकादशी का व्रत रखें, आपका भाव बेहतर होगा, आप ज्यादा बेहतर तरीके से जिम्मेदारी निभा पाएंगे। पौधों में अगर नियमित रूप से जल दें, तो पौधों में नियमित रूप से जल देने से भी लाभ होगा। देखिए, अगर आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, कदम कदम पर मुश्किलें आ रही हैं, तो जरा गौर करके देखिए कि ऐसा तो नहीं कि कोई जिम्मेदारी आप नहीं निभा रहे हैं। आपके पिता की, माता की, भाई बहन की, पति पत्नी की, आप कहीं कोई लापरवाही तो नहीं कर रहे? या नौकरी में जो जिम्मेदारी मिल रही है, उसमें आलस्य दिखा रहे हैं, उसमें काम चुरा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे? अगर आप जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाएंगे, तो जीवन में बाधाएं समाप्त नहीं होंगी। पंडित जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अगर हमारे पास कोई मदद मांगने आया है, और कई बार लोग समर्थवान होते हैं, मदद करने में सक्षम होते हैं, फिर भी मदद नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते कि इसका क्या परिणाम होगा, क्या इसका भी कोई प्रभाव होता है? देखिए, ईश्वर आपको सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य का प्रयोग करने के लिए, दूसरों की सहायता, समाज को लाभ पहुंचाने के लिए, क्योंकि ईश्वर हर व्यक्ति को सामर्थ्यवान नहीं बनाता। इसलिए अगर ईश्वर ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, तो वो सहायता के लिए ही बनाया है। आपकी योग्यता दूसरों के लिए है, आपके खुद के लिए आपकी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप योग्य हैं, सक्षम हैं, कर सकते हैं, उसके बावजूद किसी की सहायता नहीं करते, तो आपको जीवन में मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपकी योग्यता दूसरों के लिए है, इसलिए जितना कर सकें, जान दे के करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, जो आप अपनी योग्यता के हिसाब से कर सकें, वो आपको करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो मानसिक समस्याओं का शिकार होंगे और जीवन में अकेलेपन के शिकार होंगे। जितना लोगों की सहायता करेंगे, उतना ही आपको ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा। और जो लोग दूसरों की अपने हिसाब से सहायता करते हैं, यथाशक्ति सेवा करते हैं, कभी भी मन से कमजोर नहीं होते। आप दूसरों की सहायता करने के योग्य बन सकें, इसके लिए दिन भर में कुछ समय ईमानदारी से ईश्वर के लिए जरूर निकालिए। इससे आपका करुणा भाव प्रबल होगा, आप दूसरों की सहायता करेंगे और आपका भाग्य चमक जाएगा।
अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि मंगलवार को कर्ज नहीं लेना चाहिए? अगर मंगलवार को कर्ज लिए तो क्या परेशानी होगी? प्रवीण जी, ज्यादातर लोग खासतौर से बिजनेस कम्युनिटी में ऐसा मानते हैं कि मंगलवार को कर्ज का लेन देन मत करो, इसीलिए बहुत जगहों पे बाजार मार्केट मंगलवार को बंद रहते हैं कि कर्ज लेने देने की नौबत ही ना आए। देखिए, लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप मंगलवार के दिन कर्ज लेते हैं तो वो कर्ज आप कभी नहीं चुका पाएंगे, आप कर्ज में फंसे रहेंगे, उलझे रहेंगे। ज्योतिष में मंगल को दायित्वों का, कर्जों का स्वामी मानते हैं और मंगलवार के दिन को मंगल ग्रह से संबंधित मानते हैं। तो लोगों की ये अवधारणा है कि अगर आप मंगलवार को कर्ज लेंगे तो कर्ज वाला मामला एक्टिव हो जाएगा और आप कर्जा नहीं चुका पाएंगे। इसलिए सामान्यतः मेरी भी सलाह यही है कि मंगलवार को कर्ज लेने से बचिए और जहां तक संभव हो सके बुधवार को कर्ज का लेन देन करें तो वो सरलता से, सफलता से कर पाएंगे। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? मकर राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, व्यापार में, कारोबार में धैर्य बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, करियर की समस्याएं दूर होंगी, उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, इस समय वाहन का लाभ आपको हो सकता है। आज अगर हनुमान जी की उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी, लकी नंबर 1 से लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नंबर 2, आपकी तमाम पारिवारिक समस्याएं इस समय हल होंगी। नंबर 3, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 4, इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। नंबर 5, अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। नंबर 6, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। नंबर 7, आज आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 8,
धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। नंबर 9, करियर में इस समय आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। अब वक्त है भाग्य पहर का। पंडित जी, आज भाग्य पहर का समय कब से कब तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 तक। इस समय में 3 हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आपके शत्रु और आपके विरोधी निश्चित रूप से परास्त होंगे। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर भाग्यचक्र@aajtak.com में भेज दीजिए। वहीं से पंडित जी सवाल उठाते हैं और कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो पंडित जी, आज सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, आज का दूसरा प्रश्न अभिषेक महेश लाल भारद्वाज जी ने हमें लिखा है, मुंबई से लिखते हैं। 5 जून 1982 का जन्म है। 1:10 मध्य रात्रि को जन्म स्थान है मुंबई। ये पूछ रहे हैं कि मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा और मेरा भविष्य कैसा है। अभिषेक, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अपने करियर पर फोकस करिए इस समय, क्योंकि इस समय आपके काम में, आपके करियर में दिक्कतें हो सकती हैं। और स्वास्थ्य को भी लेकर के अक्टूबर 2024 तक सावधानी बनाए रखें, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अक्टूबर 24 के बाद से आपका समय अच्छा दिख रहा है, लेकिन वाहन चलाने में, नशे आदि में थोड़ी सावधानी रखिए, वरना अक्टूबर तक मुश्किलें हो सकती हैं। नित्य प्रातः और सायंकाल, सुबह शाम दोनों समय 1-1 हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर मंगलवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए पंडित जी, हमें आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लें। अगर सुबह के समय में या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी भाग्य चक्र में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।